जो अपडेट है क्या? अब आते हैं भाई प्राइस पे। ये है बजाज की नई पल्सर 150 का स्टैंडर्ड वेरिएंट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो, सिंगल सीट, ठीक है, पल्सर 150 OBD2 अपडेट विथ E20 यानी कि इथेनॉल 20 अब वाला जो फ्यूल जाएगा वो वाला मैं मोटरसाइकिल आपको दिखा रहा हूँ। बाइक का जितना तारीफ करें उतना कम है दोस्तों। ये पल्सर 150 है OBD2 अपडेट वाली, BS6 फेस 2। फ्रंट से आप लोग देख लो, कुछ खासा चेंजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, वही आपको वुल्फ हेडलाइट सेटअप आपको इसमें लगा के दिया जा रहा है, जो कि कंप्लीट हैलोजन बल्ब के साथ इसमें आपका हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो इंडिकेटर हैं बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाले, इसमें इंडिकेटर लगाए हुए मिल जाएंगे। मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है शुरू से पल्सर का, वो इसका फ्यूल टैंक रहा है। ये देखो पल्सर की जो ब्रांडिंग है वो कंप्लीट, अब आपको इसमें ब्लैक आपको पल्सर 3D लोगो इसमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेंडर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश इसमें आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉक सस्पेंशन मिलता है विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ। सिंगल डिस्क आपको इसमें मिल जाता है, ABS इसमें आपको प्री इंस्टॉल सिंगल चैनल ABS इसमें आपको देखने को मिल जाने वाला है। फ्रंट टायर साइज आपको 80-117 का आपको फ्रंट में टायर साइज देखने को मिल जाता है। मीटर देख लो, मीटर कंप्लीट आपको इसमें डिजिटल और एनालॉग कॉम्बिनेशन के साथ मीटर मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको अपडेट के तौर पे इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी और रियल टाइम माइलेज, ये दोनों में आपको इसका ये दोनों चीज़ आपको इसके मीटर पे देखने को अब मिल जाने वाला है। स्विचेस आप देख लो, हाई बीम लो बीम स्विच, पास लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न सुन लो। इसमें डुअल हॉर्न का प्रयोग कंपनी ने किया है, रेड कलर में इंजन के स्विच, नीचे की तरफ से स्टार्ट का बटन मिल जाता है। दूसरे साइड से इस बाइक का आप लुक ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार ये मोटरसाइकिल लगती है। और 150 सीसी के सेगमेंट में ये अपने आप में एक क्वीन मोटरसाइकिल मानी जाती है, कंफर्ट के मामले में, माइलेज के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, भाई इसका कोई जोर नहीं, कोई तोर नहीं। दूसरे साइड वाला इंजन का आप लुक ले लें, कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स में आपको 5 मिल जाते हैं। और सेफ्टी पर्पज़ की अगर हम बात करें तो इसमें बजाज कंपनी ने इसमें साइड स्टैंड में इंजन कटऑफ का सेंसर लगा के दिया है। फुल चेन गार्ड आपको इसमें मिल जाता है मेटल फॉर्म में, आप चाहो तो 150 ट्विन डिस्क की तरह से इसमें आप हाफ चेन गार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या है, बैटरी पैनल कंप्लीट आपको मैट ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। लगभग आपको इसमें 15 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और जो माइलेज है इस बाइक का आपको लगभग 45 से 50 के बीच का ये बाइक माइलेज आपको प्रोवाइड कर देने वाली है। और जो अपडेट है वो बेसिकली अब आपको इसमें E20 यानी इथेनॉल 20 वाला आप इसमें आप फ्यूल डलवा सकते हैं। बैक पोर्शन लुक में आपको दिखा दूँ, ये देखो बैक का जो पोर्शन लुक है एज इट इज़ वही है, इसमें कोई चेंजेस कंपनी द्वारा नहीं किया। स्टिकर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, फ्यूल टैंक पर भी आपको टैंक पैड स्टिकर मिल जाते हैं। कंप्लीट इसमें आपको सिंगल सीट मिलता है, सीट कंफर्टेबल है। बैक में देखोगे तो 150 की ब्रांडिंग, ग्रे हैंडल। बैक में जो टायर साइज मिलता है 100-90-17 का आपको बैक में ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के नेटवर्क सस्पेंशन आपको गैस चार्ज वाले सस्पेंशन बैक में लगा के दिए जा रहे हैं। साइलेंसर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, मैट ब्लैक फिनिश पेंटेड आपको इसमें साइलेंसर लगा के मिल जाने वाला है। चलिए आप बाइक को स्टार्ट करके इसका इंजन साउंड सुना देते हैं। इंजन साउंड किस प्रकार है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिएगा। इंजन की जानकारी मैं आपको दे दूं, इसमें आपको बजाज कंपनी ऑफर कर रही है वो लगभग 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क प्लग के साथ BS6 फेज 2 DTSI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसमें लगा के दिया जा रहा है। इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और जो इसका जो मैक्सिमम पावर आपको इसका इंजन निकाल के देगा, लगभग आपको 14 PS का पावर प्रोड्यूस करेगा 8500 RPM पे। और जो मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन आउटपुट निकाल के देने वाला है, आपको 13.25 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है 6500 RPM पे। नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 5 मिल जाते हैं। और ये देखो इसमें अब आपको इसमें फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम इसमें लगा के दिया गया है। ओके, इतनी सारी बातें मैंने कह दी, अब थोड़ा सा डायमेंशन के ऊपर भी अपन लोग होमवर्क कर लेते हैं। इस मोटरसाइकिल का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से 165 mm है, सीट हाइट 785 mm और व्हील बेस इसके 1320 mm है। और कर्व वेट इस मोटरसाइकिल का आपको 148 kg इसमें दिया गया है।
देखो दोस्त, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, जिसका रीसेल वैल्यू हो, सर्विस भी इजी वे में मिल जाए, साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स का कोई टेंशन ना हो, रीसेल वैल्यू मिल जाए, साथ ही साथ आपको माइलेज भी दे दे, लुक भी दे दे, पावर भी दे दे, कंफर्ट भी दे दे, तो ये जो पल्सर 150 स्टैंडर्ड वेरियंट जो मैंने वीडियो में दिखाया, ये बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है उनके लिए जिनका जो बजट है ज़्यादा नहीं है, कम बजट में अच्छी चीज़ लेने का, अच्छी मोटरसाइकिल लेने का वो सोच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पल्सर 150 स्टैंडर्ड वेरियंट के साथ जा सकते हैं। अब आते हैं भाई प्राइस पे। तो पल्सर 150 स्टैंडर्ड वेरिएंट सिंगल सीट वाली जो मोटरसाइकिल है, OBD2 2023 मॉडल का जो BS6 फेज 2 वेरिएंट है, इसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है वो लगभग 1,20,525 रुपये। बात बाकी ज्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बजाज शोरूम का एड्रेस के साथ फोन नंबर मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे बजाज मोटरसाइकिल संबंधित कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए बाइक को इजाजत। लिव फ्री, राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।